क्या हमें बॉक्सर के नीचे अंडरवेयर पहनना चाहिए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉक्सर ब्रीफ्स एंड ट्रंक्स? क्या हमें व्हाइट कलर के अंडरवेयर लेने चाहिए? हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित। जब से मैंने अंडरवेयर के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से कुछ ये थे, बट और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अंडरवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आप लोगों के मन में है और किसी और से पूछने से आप शर्माते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। What is the best underwear style? We all know कि underwear बहुत सारे styles में है, जैसे कि trunks, briefs, boxer briefs and boxers. But इनमें से कौन सा style सबसे ज़्यादा better है? Well, ये depend करता है आपकी requirement के according. अगर आपका बहुत ज़्यादा बैठने का काम है या फिर बहुत ज़्यादा चलने का काम है, तो आप brief पहन सकते हैं क्योंकि इसमें leg coverage बहुत ज़्यादा कम होती है. But personally मुझे जो पसंद है वो है trunks, क्योंकि ये मेरे favorite हैं। ये हर किसी आउटफिट के साथ जाते हैं। इसमें लेग कवरेज आप देख सकते हैं ब्रीफ के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है, तो अगर आपके पसीना आता है तो वो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, इचिंग की प्रॉब्लम कम होती है। चाहे आप शॉर्ट्स पहन रहे हैं या फिर आप जीन्स पहन रहे हैं या पैंट्स पहन रहे हैं, उसमें ये आराम से चला जाता है एंड इट्स वेरी इजी टू कैरी। तो मेरा फेवरेट अंडरवेयर स्टाइल इज ट्रंक्स। हाउ ऑफन वी शुड चेंज आवर अंडरवेयर? ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आया है और इसका सिंपल सा जवाब है कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपके अंडरवेयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो फटने लग गया है और उसकी इलास्टिक भी अब ठीक नहीं है और आपके प्राइवेट पार्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रॉपरली, देन यू शुड डेफिनेटली चेंज योर अंडरवेयर। पुराने फटे हुए अंडर आपको नहीं पहनने चाहिए क्योंकि उससे आपके प्राइवेट पार्ट और ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ अंडरवेयर मैन शुड ओन? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा कॉमन है। जब से मैंने अपना अंडरवेयर कलेक्शन बनाया है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे पास कितने अंडरवेयर होने चाहिए, हम इतने अंडरवेयर नहीं खरीद सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपके पास एटलीस्ट 7 अंडरवेयर होने चाहिए वीक के हर दिन के हिसाब से, और ये एक बेसिक नेसेसिटी है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एवरीडे अपने अंडरवेयर वॉश नहीं कर पाते हैं। अगर आप उसको नहाते टाइम सिर्फ पानी से धो के सुखा देते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली स्टॉप डूइंग दिस मिस्टेक, क्योंकि जर्म्स उसमें फिर भी रहेंगे, तो आपको उसको प्रॉपरली साबुन से धोने चाहिए। अगर आप संडे धोते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 7 अंडरवेयर तो होने ही चाहिए। सो मेरे पर्सपेक्टिव से 7। विच इज द बेस्ट फैब्रिक फॉर अंडरवेयर? वेल, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में इतने सारे फैब्रिक के अंडरवेयर अवेलेबल हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा फैब्रिक लें। मेरे हिसाब से आपको दो फैब्रिक में इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट वन इज कॉटन के अंडरवेयर एंड सेकेंड फैब्रिक इज माइक्रोमोडल। मेरे पास कॉटन का अंडरवेयर भी है और मेरे पास माइक्रोमोडल फैब्रिक का भी अंडरवेयर है। मैं दोनों को रेगुलरली पहनता हूँ और मुझे दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कॉटन के अंडरवेयर काफी कंफर्टेबल होते हैं, बट माइक्रोमोडल जो फैब्रिक होता है वो कॉटन के कंपेरिजन में 50% ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यानी कि अगर आपको एक्सेसिव स्वेट आता है अपने प्राइवेट पार्ट्स के पास, तो आप माइक्रोमोडल फैब्रिक का अंडरवेयर पहन सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि वो अंडरवेयर माइक्रोमोडल फैब्रिक का है या नहीं? तो जब कभी भी आप अंडरवेयर खरीदेंगे, यहाँ पे आपको एक छोटा सा बैच मिल जाएगा, इसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि वो कौन से फैब्रिक से बना हुआ है, आपको उसको कैसे वॉश करना है। ये डिटेल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हमें बॉक्सर्स के अंदर भी अंडरवेयर पहनना चाहिए? ये क्वेश्चन तो मेरे पास इतनी बार आया है और मैं इतनी बार इसका आंसर दे चुका हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बॉक्सर्स खुद एक अंडरवेयर का टाइप है, तो आपको इसके अंदर दूसरा अंडरवेयर पहनने की कोई जरूरत नहीं है। बॉक्सर जब कभी भी आप घर पे हैं या फिर सोने जा रहे हैं तो आप पहन सकते हैं, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से कंफर्टेबल नहीं है, देन डेफिनेटली आप डे टाइम में इसके नीचे एक अंडरवेयर पहन सकते हैं, बट सोते टाइम अगर आप बॉक्सर्स पहन रहे हैं तो आपको कोई अंडरवेयर पहनने की जरूरत नहीं है। Which color of underwear we should buy? आप कोई भी कलर का अंडरवेयर पहन सकते हैं, चाहे वो व्हाइट हो, ब्लू हो या ग्रे हो, बट अगर आप मेरी माने तो आप लाइटर कलर में इन्वेस्ट ना करें, आप थोड़े से डार्कर कलर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्राइवेट पार्ट के पास पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं और अंडरवेयर बहुत ज़्यादा ख़राब दिखेंगे। तो इसलिए आप थोड़े से डार्कर शेड में जाइए, जैसे कि ब्लू, ब्लैक या फिर डार्क ग्रे या फिर लाइट ग्रे। ये कलर ऐसे हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं और लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। लाइट कलर के अंडरवेयर्स में बस एक प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉक्सर ब्रीफ्स एंड ट्रंक्स? बॉक्सर ब्रीफ्स, जैसा कि नाम है, ये एक बॉक्सर्स की तरह होते हैं, बट ये ब्रीफ भी हैं क्योंकि ये थोड़े से टाइट होते हैं, ये बॉक्सर्स की तरह लूज नहीं होते हैं, तो इसलिए बॉक्सर की तरह इनमें जो लेग कवरेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ट्रंक्स आप देख सकते हैं कि इसमें लेग कवरेज बॉक्सर ब्रीफ के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। पर्पस और जो फिटिंग है वो एग्जैक्टली सेम है एक्सेप्ट द लेंथ। मैं पर्सनली बॉक्सर ब्रीफ तब पहनता हूँ जब मुझे पैंट्स पहननी होती हैं, क्योंकि वो आपकी थाई के साथ बहुत अच्छे से हग कर लेता है और पैंट के ऊपर से जो लाइन होती है अंडरवेयर की वो नहीं दिखती है। आप इसको शॉर्ट्स के साथ नहीं पहन सकते क्योंकि कई कई बार शॉर्ट्स के नीचे से ये विजिबल हो सकता है, बट
ट्रंक्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप शॉर्ट्स के साथ भी पहन सकते हैं, पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं, जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, एनी वेयर यू कैन वेयर. When we should wear supporter? क्या हमें रनिंग करते टाइम या जिम करते टाइम सपोर्टर पहनना चाहिए? तो मैं इसका आपको एक बहुत सिंपल आंसर देता हूँ. अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपको सपोर्टर पहनना चाहिए अंडरवेयर के ऊपर. सपोर्टर आपको खाली नहीं पहनना है. जिम करते टाइम आपको बॉक्सर्स बिल्कुल नहीं पहनने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज होते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे. सो नेवर एवर वेयर बॉक्सर्स व्हेन यू आर लिफ्टिंग वेट या फिर रनिंग या फिर जॉगिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बॉक्सर्स नहीं पहनने हैं. जो भी अंडरवेयर आप पहनते हैं, चाहे वो ब्रीफ हो, ट्रंक्स हो, बॉक्सर ब्रीफ हो, उसके ऊपर आप सपोर्टर पहन सकते हैं. बट अगर आप हैवी लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप रनिंग कर रहे हैं या फिर योगा कर रहे हैं या फिर नॉर्मल घर पे कार्डियो कर रहे हैं, तो आपको सपोर्टर पहनने की कोई जरूरत नहीं है. तो गाइस, ये थी कुछ ऐसे एम्बैरेसिंग क्वेश्चन जो कि आप लोगों के आते हैं मेरे पास, और मुझे ऐसा लगा कि इन सबको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कोई डाउट रहे अंडरवेयर से रिलेटेड, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँ जो कि आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो अगर मेरे कुछ क्वेश्चंस मिस हो गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिले. सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन फॉलो मी इन माई इंस्टाग्राम एज वेल. आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं. हियर इज माई हैंडल. And I will see you in the next video. Till then, bye.